नमस्कार। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 1 फरवरी यानी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली है और पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। बता दें कि पिछली बार साल 2019 में पूर्व वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। उसके बाद बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनने के बाद जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट पेश किया था। इस साल भी देश में आम चुनाव होने हैं और इसलिए पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में अंतर क्या होता है। अंतरिम बजट आम चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाता है, जिसमें नई सरकार बनने तक सरकार की अनुमानित आय और खर्च की एक रूपरेखा तैयार होती है। इसमें मौजूदा सरकार के पूर्ण बजट पेश करने के समय तक का लेखा जोखा होता है और ये सिर्फ 2 महीने तक के लिए ही प्रभावी रहता है। वहीं पूर्ण बजट केंद्र में केंद्र सरकार की आय, खर्च, आवंटन और नीतिगत घोषणाओं समेत लगभग सभी वित्तीय पहलुओं को शामिल करता है। यूनियन बजट, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है, उसे लोकसभा में चर्चा के बाद ही पारित किया जाता है। वहीं अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है और इसे वोट ऑन द अकाउंट भी कहा जाता है। बता दें कि अंतरिम बजट 1 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि वोट ऑन द अकाउंट यानी अंतरिम बजट के जरिए नई सरकार के बनने तक के खर्चों को मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा चुनाव आयोग अंतरिम बजट के लिए सीमाएं भी तय कर सकता है ताकि मतदाताओं पर इसका कोई असर ना पड़े। साथ ही अंतरिम बजट से पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश नहीं करती है। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर पूर्ण बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।